Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Welcome friends, with your today's topic is Taylor Theory of Management. आज हम जानेंगे कि टेलर ने हमें कौन सी थ्योरी बताई है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में. तो उससे पहले हम थोड़ा जानेंगे कि टेलर है कौन. तो देखते हैं इंट्रोडक्शन. टेलर इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट्स फादर. इट मीन्स इट इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर्स फुल नेम इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. ही वॉज बॉर्न इन 20th March 1856 टू 21st March 1915. ही हैज बीन वर्किंग इन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर फॉर सो मेनी ईयर्स. मतलब वो कई सालों से अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर के शॉप्स में काम कर रहा था. दैट इज वो एक इंजीनियर था, इसलिए उसने कुछ थ्योरीज बनाई और वहां पे उसने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हुए सारी थ्योरीज बनाई. उसकी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसने एक डेफिनेशन बताई. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू मीन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. इट मीन्स जब वो एक इंजीनियर था और इंजीनियरिंग अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था और जब वो इंजीनियरिंग के सारे काम संभाल रहा था, तब उसने एक मैनेजमेंट की एक थ्योरी बनाई थी जिसको बोल रहे थे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट. वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये समझाना चाहता है कि एग्जैक्टली हमें क्या काम करना है. दैट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू मीन टू डू. आप एग्जैक्टली क्या काम करना चाहते हैं और उस काम को किस तरीके से बेस्ट तरीके से आप कर सकें और चीपेस्ट वे में कर सकें. चीपेस्ट वे मीन्स कम से कम पैसों में आप उस काम को पूरा कर सकें. साइंटिफिक थ्योरी में टेलर ने कई अपने प्रिंसिपल्स भी बताए हुए हैं. आइए हम उन प्रिंसिपल्स को आगे देखते हैं. आइए फ्रेंड्स देखते हैं अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स जो हमें F.W. टेलर ने बताए हैं. यहां पर जो प्रिंसिपल पहला बता रहा है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है कि जैसे हमारे साइंटिफिक जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट मतलब आप अगर दो केमिकल मिलाते हैं तो उसका एक्सपेरिमेंट सेम निकलता है. मतलब कभी भी आप अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं और मैनेजमेंट करते समय अगर कोई भी रिजल्ट आता है, अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं और मैनेजमेंट करते समय कोई भी रिजल्ट आता है तो आप समझते हैं कि वो रिजल्ट सही है, लेकिन कई बार आप उससे बेटर कर सकते. तो यहां पर टेलर ने हमें बोला है कि हमेशा हमें साइंस नहीं फॉलो करना है, हमें रूल नहीं बनाना है, बल्कि हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना है. इसलिए उन्होंने बताया है डिस्कार्ड रूल ऑफ थंब. मतलब आपको रूल ऑफ थंब नहीं करना है, आपको सेम रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, बल्कि आपको नए साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करने हैं. साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक नए स्टैंडर्ड डेवलप करने हैं. दैट इज वी हैव टू डेवलप द स्टैंडर्ड मेथड. और जब आप स्टैंडर्ड मेथड डेवलप करेंगे तो आप जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो अच्छा ही होगा. तो पहला रूल बोलता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. आपको सेम रूल फॉलो नहीं करने हैं, आपको सारे रूल्स पुराने जो काम के हैं दैट इज ट्रेडिशनल रूल हैं आप सेम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप साइंटिफिक अप्रोच करें, नए अप्रोचेस सामने लाएं, एक्सपेरिमेंट करें और एक स्टैंडर्ड डेवलप करें अपने प्रोडक्शन में. ये पहला रूल था. सेकेंड बताता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. इट मीन्स आपकी कंपनी में जितनी भी हार्मनी, हार्मनी मीन्स शांति, या फिर आप बोल सकते हैं आपके कंपनी में पीस होना चाहिए. तो इन्होंने बोला हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. इट मीन्स हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड बी मेंटेन. आपकी कंपनी में वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में अगर हार्मनी है, आप दो लोग जो काम कर रहे हैं कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेस हैं और अगर वो सही तरीके से काम करते हैं तो आपकी कंपनी में अच्छे तरीके से सारे डिसीजन ले पाएंगे और फॉलो हो पाएंगे. कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए दोनों के बीच में, दैट इज मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर के बीच में. अब ये मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि वहां पर पीस होना चाहिए. मतलब दोनों लोग जो काम कर रहे हैं, मैनेजर और वर्कर, दोनों ही शांति से काम कर सकें. लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं मैनेजमेंट शुड शेयर प्रॉफिट एंड वर्कर शुड वर्क हार्ड. आपकी कंपनी तभी काम कर पाएगी जब एक मैनेजर जो भी प्रॉफिट कमा रहा है उसमें से कुछ हिस्सा अगर वर्कर को देता है और वर्कर भी अपना फुल वर्क हार्डली काम करता है तो मैनेजमेंट उसे आगे बोनस या फिर उसे आगे शेयर दे सकता है.
तो सेकंड प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर कंपनी में सही तरीके से काम हो रहा है, हार्मनी है, मेंटल रिवॉल्यूशन है और वर्कर सही तरीके से काम कर रहे हैं, मैनेजर्स प्रॉफिट शेयर कर रहा है, तो ही बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो ये कुछ मैनेजमेंट के रूल्स हैं जो टेलर ने बताए हैं। आगे भी कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं। देखिए, आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं टेलर ने हमें और कौन से प्रिंसिपल्स बताए हैं। थर्ड प्रिंसिपल बोलता है कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉरपोरेशन का मतलब है साथ मिलकर काम करना है, न कि हमें अलग अलग काम करना है, या फिर हमें जो भी काम करना है एक साथ मिलकर टीम में काम करना है, ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम करना है, न कि अपना स्वार्थ देखना है और इंडिविजुअल काम करना है। ऐसा हमें टेलर ने बताया। कॉरपोरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट होना जरूरी है। मैनेजमेंट जो भी डिसीजन ले रहा है उसे लेबर को फॉलो करना है, और जब ये दोनों लेबर एंड मैनेजमेंट जब बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे तभी बिजनेस हमारा सही तरीके से मैनेज हो पाएगा। सजेशन मेड बाय एम्प्लॉय शुड नॉट इग्नोर। कई बार ऐसा रहता है कि अगर जो भी एम्प्लॉय ने सजेशंस दिए हैं अगर हम उसे इग्नोर करते हैं, मैनेजमेंट उसे इग्नोर करता है, तो एम्प्लॉयज न कि अपने सजेशंस देंगे और ना ही बिजनेस में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। इसलिए कोई भी सजेशन अगर एम्प्लॉयज देता है तो हमारे मैनेजमेंट को उसके ऊपर ध्यान से वर्क करना चाहिए। थर्ड पॉइंट बोलता है इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। हर एक लेबर को, हर एक एम्प्लॉय का अपना काम अगर डिवाइडेड रहेगा तो उनका काम करना आसान रहेगा, फिर वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कॉपरेशन के साथ काम करेंगे, गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे, न कि अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। ये था हमारा थर्ड प्रिंसिपल। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं फोर्थ प्रिंसिपल जो बता रहा है डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन बाय इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इट मींस यहां पर अगर हम हर एक बंदे की, दैट इज ईच पर्सन का डेवलपमेंट अगर करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं उनका अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं एम्प्लॉयज का वो साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा, दैट इज साइंटिफिक सिलेक्शन। अब ये साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब रहता है कि हम मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल सभी तरीके से देखें कि जो भी पर्सन हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सही है फॉर द जॉब और नॉट। मतलब राइट पर्सन एट द राइट प्लेस मस्ट बी देयर। अगर सही बंदा सही जॉब के लिए सेलेक्टेड नहीं है तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज, वर्कर्स, मैनेजर सभी के लिए दिक्कत रहता है। इसलिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन को देखते हुए इंटरव्यूज के थ्रू या अलग अलग प्रोसेस के थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए एम्प्लॉयज का। उसके बाद अगर एम्प्लॉयज को जरूरत है, पहली हमारी कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि हम ट्रेन्ड एम्प्लॉयज रहें, दैट इज हम एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयड रहें जो भी वो फील्ड के लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर बाय चांस आगे की ट्रेनिंग नीडेड है एम्प्लॉयज को तो वो भी दे सकते हैं। इट मींस अगर हमें ईच पर्सन का ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक डेवलपमेंट करना है तो हमें ट्रेनिंग जरूरी है उस पर्सन के लिए। तो ट्रेनिंग देने के लिए हमें अलग अलग कैंपस, सेलेक्शंस, ट्रेनिंग्स, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार ये सब अरेंज किए जाते हैं। अगर हम ट्रेनिंग करवाते हैं एम्प्लॉयज को तो वो अपने इंक्रीज हो जाती है उनकी एफिशिएंसी काम कर रही है, दैट इज वर्कर्स कैन वर्क टू इट्स फुलेस्ट एफिशिएंसी। इट मींस यहां पर वर्कर अपना काम फुलेस्ट एफिशिएंसी तक कर सकता है, दैट इज वर्कर का भी डेवलपमेंट होता है और मैनेजर का भी डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए भी पॉसिबिलिटीज रहती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स जो टेलर ने हमें दिए हैं। होप है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये टॉपिक बहुत ही इजी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अपना ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।